दोस्तों क्या सनबर्न से आपकी स्किन पर रैशेस आ रहे हैं या फिर गर्मी की वजह से स्किन चिपचिपी होना डल होना ड्राई हो जाना ऐसे स्किन से रिलेटेड समस्या से आप परेशान हो तो आपकी ये सारी परेशानियाँ दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा मैजिकल सुपर फूड जो आपकी ये सारी परेशानियाँ चिपकी में दूर कर देगा जी हाँ दोस्तों आज का वो मैजिकल सुपर फूड है कुकुम्बर या खीरा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्किन रिपेयरमेंट में कुम्बर किस तरह से वर्क करता है और उससे बनी ये होम रेमेडीज। चलिए आज के वीडियो को शुरुआत हेलो एवरीवन सुपर फूड फिटनेस इस चैनल पे मैं सारिका कपूर कर आप सभी का स्वागत करती हूँ आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और गर्मी के इन दिनों में डिटॉक्स वाटर का सेवन अवश्य कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे हो तो शुरुआत कर दीजिए क्योंकि गर्मी के इन दिनों में बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बेहद आवश्यक होता है और बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का काम डिटॉक्स वाटर से बेहतर कोई नहीं कर सकता है दोस्तों खिला खिला और बेदाग चेहरा किसे पसंद नहीं है है ना चेहरे की इस खूबसूरती को संभालने के लिए बॉडी को इंटरनली यानी अंदर से क्लीन करना बेहद आवश्यक होता है जो काम डिटॉक्स वाटर बेहतरीन कर देता है डिटॉक्स वाटर में लेमन वाटर किस तरह से हेल्प करता है इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है मेरे लास्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सनबर्न को ठीक करने के लिए खीरा यानी कुकुम्बर किस तरह से वर्क करता है खीरे में लगभग 96% परसेंट पानी होता है पानी की ये मात्रा आपकी त्वचा के लिए सबसे अधिक हाइड्रेटिंग सामग्री बनाती है खीरा कई पोषक तत्वों से मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है खीरे में मौजूद ये पानी हमारी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने का सबसे महत्वपूर्ण काम करता है दोस्तों खीरे में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो सन से हुए रेडनेस रैशेस को ठीक करने का महत्वपूर्ण काम करता है आइए जानते हैं सनबर्न से हुए रेडनेस और रैशेस को ठीक करने के लिए कुकुम्बर फेस पैक किस तरह से बनाया जाता है इसके लिए हमें सबसे पहले खीरे को छील कर उसको कद्दूकस कर लेना है खीरे को कद्दूकस बनाने के लिए खीरे को कस कर या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर करके भी आप बना सकते हो इस फेस पैक के लिए आपको ज़रूरी है दो बड़े चम्मच खीरे का रस एक चम्मच गुलाब पानी दो बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी सबसे पहले एक बाउल में दो बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है इसमें दो बड़े चम्मच खीरे का रस और एक चम्मच गुलाब जल ऐड कर लेना है दोस्तों इस सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करके आपको आपके चेहरे पर 15 मिनट तक लगा के रखना है फिर 15 मिनट के बाद चेहरा सूखने पर इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है सन बन से हुए रेडनेस रैशेस को ठीक करने का काम ये फेस पैक करता है दोस्तों गर्मी के इन दिनों में बाहर से आने के बाद चेहरा चिपचिपा होना स्किन डल होना ड्राई होना जैसी समस्या को फेस करना पड़ता है इस समस्या से बचने के लिए आइए जानते हैं खीरे से बना हुआ ये मैजिकल स्किन टोनर और आइस क्यूब्स किस तरह से काम करते हैं आइए जानते हैं इन्हें बनाने का तरीका इसके लिए सबसे पहले आपको एक खीरे को छिलकर उसका रस बना लेना है फिर तैयार हुए इस रस को हमें एक बाउल में निकाल लेना है फिर इस रस में हम पाँच से छः चम्मच गुलाब जल को ऐड करेंगे और आधा नींबू निचोड़ लेंगे दोस्तों नींबू कोलेजन फॉर्मेशन में बेहतरीन काम करता है जो हमारे चेहरे पे आने वाले फाइन लाइंस और रिंकल्स को रोकने का काम करता है कोलेजन हमारी स्किन को टाइटनिंग में इलास्टिसिटी को बढ़ाने में बेहतरीन काम करता है इसीलिए हम इस टोनर में नींबू को भी ऐड कर रहे हैं फिर तैयार हुए इस रस को हमें एक स्प्रे बॉटल में निकाल लेना है लीजिए आपका खीरे से बना हुआ ये बेहतरीन स्किन टोनर रेडी है बस बाहर से आने के बाद आपकी स्किन पर आपको इस स्प्रे बॉटल की मदद से आपको टोनर लगाते रहना है इस स्किन टोनर को हमें हमारे चेहरे पर हर पंद्रह मिनट के बाद स्प्रे करते रहना है ये स्किन टोनर हमारे डल स्किन को ब्राइट करने में हाइड्रेटेड बनाने में उसी तरह से कोलाजन बूस्टिंग में बेहद हेल्पफुल ऐसा काम करने वाला है दोस्तों आइए जानते हैं डल स्किन को ब्राइट करने के लिए हाइड्रेटेड करने के लिए खीरे से बना हुआ दूसरा तरीका इसके लिए हम खीरे से बने हुए इस आइस क्यूब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस आइस क्यूब को बनाने के लिए हमें आइस ट्रे में खीरे के रस को ऐड करना है फिर इसमें हमें पुदीने को क्रश करके डाल देना है इसमें दो से तीन बूंदे हम नींबू के भी ऐड करेंगे फिर इस आइस ट्रे को हम सेट करने के लिए रख देंगे दोस्तों थोड़े समय के बाद तैयार हो इस आइस क्यूब्स को हमें आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ टोनर हमें हमारे चेहरे पर इस्तेमाल करने हैं ये आइस क्यूब्स भी हमारे चेहरे को डल स्किन को हाइड्रेटेड बनाने में और स्किन ब्राइटनिंग में काफ़ी मदद करने वाले हैं दोस्तों क्या आप ब्लैक हेड की समस्या से परेशान हो और स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने के लिए कोई ऐसा फेस पैक ढूंढ रहे हो तो खीरे से बना हुआ ये फेस स्क्रब जरूर अप्लाई करना ये फेस स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए दो चम्मच कुकुम्बर पल्प कद्दूकस किया हुआ खीरे का रस एक चम्मच चावल का आटा और आधा चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर इन सभी सामग्री को हमें मिक्स कर लेना है फिर इसे हमें अपने चेहरे पर पंद्रह मिनट तक एंटी क्लॉक मसाज करते हुए लगाना है दोस्तों इस फेस स्क्रब में ऐड किया हुआ नीम की पत्तियों का पाउडर और चावल का आटा इसमें जो ग्रैन्यूल फॉर्म्स होते हैं ये हमारे स्किन पर एक्सफोलिएट करने का काम करता है यानी हमारे स्किन में जो डेड स्किन में फंसे हुए ब्लैक हेड्स हैं उसे निकालने का काम ये स्क्रबर करता है जिससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बन जाती है दोस्तों स्किन टाइटनिंग में चेहरे पर रिंकल्स फाइन लाइन्स और डार्क सर्कल्स ना आए इसके लिए रात को सोने से पहले नाइट क्रीम से मसाज करना बेहद आवश्यक हो जाता है दोस्तों आइए जानते हैं आज के इस मैजिकल सुपरफूड की मदद से नाइट क्रीम किस तरह से बना सकते हैं इसके लिए हमें खीरे का रस लेना है इसमें वाइटामिन ई e की कैप्सूल को ऐड करना है और थोड़ा सा एलोवेरा जेल को भी ऐड करना है लीजिए तैयार हो गया आपका इफेक्टिव ऐसा नाइट क्रीम सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट की मदद से नाइट क्रीम रेडी हो गया है इस नाइट क्रीम की मदद से हमें आँखों के नीचे और अपने चेहरे पर एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है फिर रात भर हमें कोलाजन बूस्टिंग के लिए और चेहरे को हाइड्रेशन के लिए स्किन हेल्दी होने के लिए इस क्रीम को चेहरे पर छोड़ देना है और सुबह उठने के बाद हमें नॉर्मल वाटर से चेहरे को वॉश कर लेना है दोस्तों स्किन रिपेयरमेंट में स्किन को हेल्दी बनाने में ये सारे होम रेमेडीज़ 100% इफ़ेक्टिव है दोस्तों स्किन टाइटनिंग हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए आज मैंने जो होम रेमेडीज बताई उन्हें ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपने स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए सुपर फूड फिटनेस इस चैनल पे हेल्थ प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो समस्या है उन्हें सॉल्व करने के लिए दी गई सुपर फूड की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगती है इसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके ये कॉमेंट्स मुझे इंस्पिरेशन देती रहेगी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक इफेक्टिव हेल्दी एसे सुपर सुपरफूड के साथ में टेक केयर